हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त नीलू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो गाइस, मेरी वीडियो का नाम है कोल्ड कॉफ़ी। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी होती है। ये हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी ये घर पर कैसे बनती है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनती है। आप एक बार अपने घर में ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बनाने के लिए हमें लगेगा यहाँ पे ठंडा दूध, और ये फुल क्रीम का दूध है। आप फुल क्रीम का दूध लोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। उसके बाद हम लेंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना कम मीठा चाहे। उसके बाद हमने यहाँ पे नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप चाहें तो कोई भी ब्रांड जो आप यूज़ करते हो उसको ले सकते हैं। मैं नेस्कैफे का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हमने लिया यहाँ थोड़े आइस क्यूब। आइस क्यूब होना ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी में आइस क्यूब ज़रूरी होता है। और ये मैंने डेकोरेट के लिए थोड़े हर्सिस का सिरप लिया है। ये चॉकलेट सिरप है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉफ़ी को एक बाउल में निकालना है और थोड़े से गर्म पानी में इसका घोल बना लेना है। आप चाहें तो बिना घोल डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले गर्म पानी में थोड़ा सा घोल बना लिया है। जार, इसमें सबसे पहले डालेंगे हम अपना दूध। उसके बाद मैंने ये जो कॉफ़ी का घोल बनाया है उसको भी डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गाइस। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपने आइस क्यूब। अब हम इसको मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे। हमारी कॉफ़ी कितनी अच्छी क्रीमी और झाग वाली बनी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये गिलास और ये चॉकलेट सिरप से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। आप जैसे मर्जी वैसे डेकोरेट कर सकते हो गाइस। देखिए, मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा हम इसको नीचे ऐसे चॉकलेट सिरप डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा गिलास कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा गिलास कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी ये कॉफ़ी। और इसमें जो थोड़ा ऊपर का झाग है हम उसको भी डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। हमारा कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए गाइस, हमारा कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप अपने घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप यू लाइक इट, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज़, आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। तो इसलिए आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए। तो गाइज़,